नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ सुनीताबेन, धोरण छ गुजरातीमां व्याकरण विभागमां आजे आपणे नामपद अने तेना प्रकारो विषे समझ मेळवीशुं। सौ प्रथम आपणे नामपद एटले शुं एना विषे समझ मेळवीए। अहीं थोड़ा वाक्यो आपेला छे, पहेला एनी पर नजर मारीए। पहेलुं वाक्य छे ते टिकीट लाव्यो छे। बीजू वाक्य छे वेद साहेबनो पत्र छे। त्रीजू वाक्य छे कागळ काढीने मारा हाथमां मूक्यो। चौथो वाक्य छे निरंजन एक रविवारे मारा त्यां आव्यो। विद्यार्थी मित्रों, उपरना चारे वाक्यों में तमे जोशो के टिकीट, पत्र, कागळ, हाथ, निरंजन अने रविवारे आ शब्दों कोई चौक्स व्यक्ति, पदार्थ के वस्तु की ओळख सूचवे छे। तेथी टिकीट, पत्र, कागळ, हाथ, निरंजन अने रविवार वगैरे शब्दों नामों छे। आवा नामों ने जुदा जुदा प्रकारों में वहेंचवामां आवे छे। तो हवे आपणे नामना प्रकारों विषे जानकारी मेळवी। पहलो प्रकार छे व्यक्तिवाचक नाम। व्यक्तिनी ओळख सूचवता नामने व्यक्तिवाचक नाम कहे छे। जेना उदाहरण आपणे जोईए, जेम के गांधीजी, सचिन, शिवाजी, भगत सिंह वगैरे व्यक्तिवाचक नामों छे। केम के आ बधा नामों व्यक्तिनी ओळख आपे छे। बीजो प्रकार छे द्रव्यवाचक नाम। पदार्थ जो द्रव्य ने एटले के घन अने प्रवाही स्वरूपे सूचवातो होय तो तेने द्रव्यवाचक नाम कहे छे। तेना उदाहरण छे दाळ, चोखा, रू वगैरे घन पदार्थों अने घी, तेल, पाणी वगैरे प्रवाही पदार्थों छे। तेथी आ बधा द्रव्यवाचक नामों कहेवाय। त्रीजो प्रकार छे जातिवाचक नाम। आखा वर्गनी जातिने सूचववा माटे ओळखवामां आवता नामने जातिवाचक नाम कहे छे। जेना उदाहरण जोईए, गाय, बकरी, छोकरी वगैरे जातिवाचक नामों छे। केम के आ बधा नामों आखा वर्गनी जातिने सूचवे छे। आगळ चौथो प्रकार छे समूहवाचक नाम। आखा वर्गना जूथ के समूहने एक साथे सूचववा माटे ओळखवामां आवता नामने समूहवाचक नाम कहे छे। जेम के लश्कर, टोळू, धण वगैरे समूहवाचक नामों छे। केम के आ नामों सैनिकों, केटलाक लोको अने गायोनो समूह बतावे छे। आगळ पांचमो प्रकार छे भाववाचक नाम। जेनो मात्र अनुभव करी शकाय तेवा भाव, लागणीओ के गुणोने ओळखवामां आवता नामने भाववाचक नाम कहे छे। जेम के प्रेम, गुस्सो वगैरे भाववाचक नामो छे। छठ्ठो प्रकार छे क्रियावाचक नाम। क्रियाने सूचववा माटे ओळखवामां आवता नामने क्रियावाचक नाम कहे छे। जेम के दौड, चाल, खेंच वगैरे क्रियावाचक नामो छे। केम के आ बधा ज नामों कोई व्यक्ति के प्राणी द्वारा थती क्रिया सूचवे छे। टूंकमां कहीए तो आ बधा नामों ज्यारे वाक्यमां वपराय छे त्यारे तेने नामपद तरीके ओळखवामां आवे छे। एक वाक्यमां एक के एक करता वधु नामों होय शके, कारण के एमां कोई चोक्कस व्यक्तिओ, पदार्थो के वस्तुओ विशे वात करवामां आवी होय छे। विद्यार्थी मित्रों, चालो एक वार फरी नजर मारी लईए। व्यक्तिने सूचवता नामने व्यक्तिवाचक नाम कहे छे, જેમ કે હેતવી, કૃતુ અને દિયા। પદાર્થ જો દ્રવ્યને સૂચવતો હોય તો એ દ્રવ્યવાચક નામ કહેવાય છે, જેમ કે ઘી અને તેલ। આખી જાતિને સૂચવતા નામને જાતિવાચક નામ કહે છે, જેમ કે ગાય, બકરી કે છોકરો। આખા જૂથ કે સમૂહને એકસાથે સૂચવતા નામને સમૂહવાચક નામ કહે છે, જેમ કે લશ્કર, ટોળું કે વર્ગ। કશા ભાવને સૂચવતા નામને ભાવવાચક નામ કહે છે, જેમ કે પ્રેમ કે
गुस्सो। क्रिया ने सूचवता नामने क्रियावाचक नाम कहे छे, जेम के दौड़, चाल, खेच। आ बधा नामों ज्यारे वाक्य में वपराय छे त्यारे नामपद तरीके ओळखाय छे। विद्यार्थी मित्रों, नामपद अने तेना प्रकारों में तमने समझण पड़ी हशे। फरी मळीशुं नवा वीडियो साथे। आभार।